पहले अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो अब काफ़ी कम डिमांड हो गई है पतंगों की, पहले अच्छी डिमांड होती थी। फिल्मी पतंग और पन्नी वाली पतंग ज़्यादा चल रही है जी। बरेली का मांझा आता है जी, धागे वाला, वही बिकता है ज़्यादा। जयपुर से भी पतंग आती है, कागज़ वाली पतंग होती है। नहीं नहीं नहीं, पतंग और डोरी चलती है ज़्यादा। नहीं नॉर्मल, पिछले साल तो ज़्यादा डिमांड थी, इस साल कम हुई है। नहीं इसे कोई नुकसान नहीं है जो बरेली से आता है, ये धागे वाला होता है, टूट जाता है जल्दी, पहले वो टूटता नहीं होता था। जब से ये लॉकडाउन लगा सर तब से हुई है। इसमें क्या है, एक्चुअल में बच्चे फ्री हैं, स्कूल जाते नहीं, तो करेंगे आप बेचारे पतंग उड़ा के अपना टाइम पास करते हैं। अच्छे तरीके से काम चल रहा है, ठीक है, बच्चों का टाइम पास हो रहा है, सब बिकता है जी। पतंग ज़्यादातर ये फिल्मी पतंग बिकता है जी, इस तरह का, जैसे कि है हमारे पास, इसमें कागज़ का बिकता है, तिरंगे वाले बिकते हैं, नॉर्मल बच्चों के आइटम में बिकती है, पन्नी की, कागज़ की, हर तरह की पतंग बिकती है। किस प्रकार की मांझे की? मांझा धागे वाला बिकता है जी, दूसरा नहीं बिकता। दूसरे में बच्चों के हाथ कटने का डर रहता है, कस्टमर हमारे से मांगता है, हम उसको मना कर देते हैं। अब तो सर खत्म है, अब तो बहुत कम है, पहले से बहुत कम है। लॉकडाउन में अच्छी डिमांड होती है इनकी। 15 अगस्त को देखते हुए तिरंगा कलर का भी पतंग आपने बनाया है? हाँ जी। उसकी किस तरह की डिमांड है? ठीक निकलेगी सर, पर अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा, अभी टाइम है। ये 12 या 13 अगस्त के आसपास इसकी सेल बिकेगी, 2-3 दिन बिकेगा, ज़्यादा नहीं बिकता ये भी, क्यों फिर लोग ना पैरों में इसको मिसयूज़ करते हैं, इस करके इसकी 4-5 सौ पतंग मंगाते हैं, इतनी ही बेचते हैं, ज़्यादा नहीं मंगवाते। अच्छी बिकती है, काम बढ़िया है।